अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर हमने स्टार्ट किया है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के प्रोहिबिशन के सेंटेंसेस को चेंज करना। प्रोहिबिशन के मानी है किसी को मना करना, और कमांड जब आप किसी को कमांड देते हुए मना करते हो उन सेंटेंसेस को कहते हैं प्रोहिबिशन प्लस कमांड और ऑर्डर। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डोंट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलें। डोंट लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को नहीं खोला जाए। लेट द डोर नॉट बी ओपन, दरवाजे को नहीं खोला जाए। यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रोहिबिशन प्लस कमांड के सेंटेंसेस को दो वे में चेंज कर सकते हो आप, इसको दो तरीके में। नंबर वन होगा डोंट लेट द डोर बी ओपन एंड लेट द डोर नॉट बी ओपन। सो यू नो देर आर टू वेज, इसके दो तरीके होंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस है डोंट क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद नहीं करें। डोंट लेट द डोर बी क्लोज्ड एंड लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास कितने वे हैं इन सेंटेंसेस को चेंज करने के, दो तरीके हैं। एक और चीज बताता चलो, यू नो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है और अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट वे है इनको चेंज करने में, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट और बेस्ट होगा वो है सेकंड पार्ट, जैसे लेट द डोर नॉट बी क्लोज। ये आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है, इसमें खूबसूरती लाता है बनिस्बत फर्स्ट सेंटेंस के। लेकिन आपके पास चॉइस है, एनी ऑफ देम आप कोई भी यूज कर सकेंगे। प्रोहिबिशन प्लस लेस कमांड, देखिए कमांड उनके वो देते हैं जिनको अथॉरिटी हो, जैसे किसी मालिक का किसी गुलाम पर। इसी तरह प्रोहिबिशन प्लस लेस कमांड आपके पैर, आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, आपके एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, और इसी तरह से आपके टीचर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए मसले खड़ा ना करें। डोंट लेट द प्रॉब्लम्स बी क्रिएटेड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए मसले खड़े नहीं होने चाहिए। एंड लेट द प्रॉब्लम्स नॉट बी क्रिएटेड। सो ये दोनों वे करेक्ट हैं आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास डोंट रीड योर बुक्स, जैसे कोई टीचर कोई और एक्टिविटी कराने जा रहा हो तो वहां पे वो कहेगा कि डोंट रीड योर बुक्स। डोंट लेट योर बुक्स बी रेड एंड लेट योर बुक्स नॉट बी रेड। थर्ड हमारे पास है प्रोहिबिशन प्लस रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट लेट मी बी डिस्टर्ब्ड एंड प्लीज लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट के लिए आपको प्लीज का लगाना जरूरी है। और इनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, फर्स्ट वे होगा प्लीज डोंट लेट मी बी डिस्टर्ब एंड प्लीज लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। सेकेंड सेंटेंस होगा प्लीज डोंट कैंसल द मीटिंग, प्लीज डोंट लेट द मीटिंग बी कैंसल्ड। एंड सेकेंड वे होगा प्लीज लेट द मीटिंग नॉट बी कैंसल्ड। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम यूजेज नंबर फोर में, जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में है प्रोहिबिशन प्लस सजेशन। देखिए जब आप मशवरा देते हो किसी काम के ना करने को, वहां पे आप यूज करेंगे प्रोहिबिशन प्लस सजेशंस। जैसे एग्जांपल है डोंट स्टार्ट बिजनेस विद हिम, डोंट लेट द बिजनेस बी स्टार्टेड विद हिम एंड लेट द बिजनेस नॉट बी स्टार्टेड विद हिम। देखिए मशवरा ये है कि उसके साथ बिजनेस स्टार्ट ना करें। वजह क्या है, शायद वो कोई अच्छा शख्स नहीं है, या करप्ट है, या आप ईमानदार नहीं हो, जैसे मैं कहता हूँ डोंट स्टार्ट बिजनेस विद हिम। सो पैसिव में होगा डोंट लेट बिजनेस बी स्टार्टेड विद हिम एंड डोंट लेट द बिजनेस एंड लेट द बिजनेस नॉट बी स्टार्टेड विद हिम। सेकंड एग्जांपल है मैं कहता हूँ डोंट ज्वाइन देयर कंपनी, उनके माहौल में ना बैठे या उनके माहौल में शामिल ना हो। डोंट लेट देयर कंपनी बी ज्वाइंट, उनके माहौल में ना बैठा जाए। लेट देयर कंपनी नॉट बी ज्वाइंट, उनके माहौल में नहीं बैठा जाए, ना बैठा जाए, क्योंकि उनका माहौल गैदरिंग जो है खराब है, वो आपके एक मशवरा है कि उनके साथ ना बैठे, तो ये आपकी आप उसमें आपकी अपनी भलाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर फाइव, वो है प्रोहिबिशन प्लस इन्वाइटेशन। जब आप किसी को इन्वाइट करने से रोकते हैं कि इस इन्वाइटेशन में आप ना जाएं या ये ना करें, वहां पे होगा डोंट ज्वाइन इज मैरिज पार्टी, डोंट लेट इज मैरिज पार्टी बी ज्वाइन। जैसे कोई शख्स किसी को मना कर रहा हो इस मैरिज पार्टी में ना जाएं, कोई भी काफी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मेंशन नहीं करूंगा। यस इन द सेंस कि किसी को माइंड हो क्लियर,
जब किसी को आप मना करते हैं किसी दावत पे जाने के लिए, तो फिर आप कहेंगे प्रोहिबिशन प्लस इनविटेशन। जैसे मैं कहता हूँ सेकंड एग्जाम, ओके सेकंड एग्जाम्पल में, डोंट अटेंड अर फंक्शन, उसके फंक्शन में ना जाएं, डोंट लेट अर फंक्शन बी अटेंडेड एंड लेट अर फंक्शन नॉट बी अटेंडेड, उसके फंक्शन में शामिल नहीं होनी नहीं जानी चाहिए या उसके फंक्शन में शामिल हमें नहीं होना है, क्लियर। दैट इज द सेकंड वे टू चेंज इट इन टू पैसिव वॉइस। सिक्स्थ यूसेज हमारे पास प्रोहिबिशन प्लस ऑफर, जब आप किसी को पेशकश करते हैं वो भी मना करने में, जैसे पेशकश को मना करते हैं, मैं कहता हूँ डोंट ज्वाइन आर टीम, हमारे टीम में शामिल मत हो क्योंकि आप अच्छा नहीं खेलते हैं या आप मैच फिक्सिंग करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ डोंट ज्वाइन आर टीम, डोंट लेट आर टीम बी ज्वाइंट, हमारे टीम में शामिल नहीं होना चाहिए आपको, या लेट आर टीम नॉट बी, लेट आर टीम नॉट, लेट यू नॉट बी ज्वाइंट इन आर टीम, क्लियर, हमारे टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, इस मुकाबले में आपने हिस्सा नहीं लेना चाहिए। डोंट लेट द पार्ट बी टेकन इन दिस फंक्शन, इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। एंड लेट द पार्ट नॉट बी टेकन इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सो ये हो गए इनके पैसिव दो तरीके में। लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोहिबिशन प्लस एडवाइस, डोंट मिस योर प्रेयर, देखे अपनी नमाजों को कजा ना करें, ये कैसी नसीहत है कि आपको मना किया जा रहा है कि आप मिसिंग ना करें अपने प्रेयर्स का। डोंट मिस योर प्रेयर्स, डोंट लेट योर प्रेयर्स बी मिस्ड, नमाजों को कजा नहीं होनी चाहिए। लेट योर प्रेयर्स नॉट बी मिस्ड, नमाजों को कजा नहीं होनी चाहिए। डोंट इंसल्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की बेइज्जती ना करें, फर्स्ट पैसिव होगा। डोंट लेट योर पेरेंट्स बी इंसल्टेड, अपने वालिदैन की बेइज्जती ना की जाए। लेट योर पेरेंट्स नॉट बी इंसल्टेड, अपने पेरेंट्स की या वालिदैन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सो ये हो गए आपके सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मज़ीद पैसिव सेंटेंसेज में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।